नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने गैलीलियन रूपांतरण का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में स्थिति, वेग, त्वरण, बल आदि के जो रूपांतरण समीकरण थे उनका अध्ययन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, साथ ही जो न्यूटनी आपेक्षिकता और जो न्यूटन के नियम हैं उनकी निश्चितता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संवेग संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो गैलीलियन रूपांतरण में कणों का संवेग परिवर्तित होता है, क्योंकि वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था, v डैश इक्वस टू कैपिटल V माइनस स्मॉल V होता है, जहाँ स्मॉल V जड़त्वीय निर्देश तंत्र का वेग था, यानी दो निर्देश तंत्रों में जो प्रेक्षित वेग है उनके अल्पमान हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं, और इसके कारण जो संवेग है वो भी अलग अलग प्राप्त होंगे। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि संवेगों के मान अलग अलग होते हुए भी जो गैलीलियन रूपांतरण है उसमें संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो इन्वेरिएंट रहता है, अपरिवर्ती रहता है, अर्थात संवेग संरक्षण नियम का जो पालन होता है। और इसको प्रूव करने के लिए उदाहरणार्थ हम मान लेते हैं कि एस तंत्र में हमारे पास दो कण हैं जिनका कि द्रव्यमान m1 व m2 है, और मान लीजिए ये दोनों जो कण हैं वो किसी वेग से गतिशील हैं और गति करते हुए ये कण आपस में टकराते हैं। तो दोनों तंत्रों में जो टक्कर से पूर्व का वेग है वो एस तंत्र में मान लीजिए दोनों कणों का क्रमशः u1 और u2 है, और टक्कर के पश्चात मान लीजिए इन कणों का वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाता है। इसलिए इस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण के नियमानुसार टक्कर से पूर्व जो संवेग है, कुल संवेग, वो टक्कर के पश्चात कुल संवेग के बराबर होना चाहिए। इसलिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। अब मान लीजिए इसी घटना को किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश के द्वारा भी प्रेक्षित किया जाता है, और ये जो एस डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो मान लीजिए एस के सापेक्ष स्थिर वेग वी से एक्स दिशा में गतिशील है। तो इसके द्वारा दोनों कणों m1 व m2 का टक्कर से पूर्व जो वेग है वो मान लीजिए u1 डैश और u2 डैश प्रेक्षित होता है, और टक्कर के पश्चात मान लीजिए इनका जो वेग है वो v1 डैश व v2 डैश प्रेक्षित होता है। इसलिए इस तंत्र में टक्कर से पूर्व का जो कुल संवेग है वो होगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, और टक्कर के पश्चात का जो प्रेक्षित कुल संवेग है एस डैश तंत्र में वो प्रेक्षित होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसलिए इस एस डैश तंत्र में भी संवेग संरक्षण नियम का पालन होगा, जिसके अनुसार m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश बराबर m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश होना चाहिए। और इसको प्रूव करने के लिए, चूंकि हमें नहीं मालूम कि ये संवेग संरक्षित होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें मालूम है कि दोनों तंत्र हैं वो जड़त्वीय हैं, क्योंकि जो दूसरा तंत्र है एस डैश वो एस के सापेक्ष स्थिर वेग वी से गतिशील है। इस कारण इन दोनों तंत्रों में जो वेग है उसका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वेगों के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि
u1 का जो मान है वो होगा u1 डैश प्लस v के बराबर, u2 का मान होगा u2 डैश प्लस v के बराबर, v1 का मान होगा v1 डैश प्लस v के बराबर और v2 का मान होगा v2 डैश प्लस v के बराबर। इसलिए u1 u2 v1 और v2 के मान अगर हम समीकरण 13 जो कि एस तंत्र में संवेग संरक्षण का नियम है इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम पाते हैं m1 और जो u1 है इसका मान होगा u1 डैश प्लस v प्लस m2 u2 का मान होगा u2 डैश प्लस v बराबर m1 v1 का मान हो गया v1 डैश प्लस v प्लस m2 v2 का मान हो गया v2 डैश प्लस v। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होता है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, जिसमें m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश एस डैश तंत्र में टक्कर से पूर्व का कुल संवेग है। इसी प्रकार m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश एस डैश तंत्र में टक्कर के पश्चात का कुल संवेग है। तो इस प्रकार जो एस डैश तंत्र है उसमें ये संवेग संरक्षण जो नियम है उसको व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर एस तंत्र में संवेग संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है तो एस डैश तंत्र में भी संवेग संरक्षण नियम का पालन होगा। इसके बाद में है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो इसको जो प्रूव करने का तरीका है वो भी वैसा ही है जैसा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमने अध्ययन किया है, सिर्फ अंतर इतना इसमें भी हमें वही दो पार्टिकल कंसिडर करने हैं और दोनों मान लीजिए गति करते हुए आपस में टकराते हैं। जैसा कि संवेग संरक्षण में हमने दोनों पार्टिकल्स के संवेग को कंसिडर किया था उसी प्रकार यहाँ इस स्थिति में हम दोनों पार्टिकल्स के संवेग की बजाय दोनों की जो ऊर्जा है उसको कंसिडर करेंगे, उसको विचाराधीन लेंगे। इसलिए एस तंत्र में जो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होगा यानी टक्कर से पूर्व का जो संवेग टक्कर से पूर्व की जो कुल ऊर्जा है वो टक्कर के पश्चात की कुल ऊर्जा के बराबर होगी, और टक्कर के पूर्व की जो कुल ऊर्जा है वो हुई हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर और बराबर टक्कर के पश्चात की जो कुल ऊर्जा है वो होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस q, जहाँ q है वो ऐसी ऊर्जा अन्य रूप में जो परिणित ऊर्जा है उसको व्यक्त कर रही है। ये जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ भी हो सकती है अप्रत्यास्थ भी हो सकती है। अगर प्रत्यास्थ टक्कर है तो उस स्थिति में क्यू का मान 0 होगा, और अगर टक्कर प्रत्यास्थ नहीं है तो उस स्थिति में क्यू का मान है वो 0 नहीं होगा, इसका कुछ मान होगा। अब यदि ऊर्जा संरक्षण नियम इन दोनों तंत्र एस डैश तंत्र में भी लागू होता है तो हमें एस डैश तंत्र में प्राप्त होना चाहिए टक्कर से पूर्व की कुल ऊर्जा बराबर टक्कर के पश्चात की कुल ऊर्जा, यानी हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस क्यू। यानी ये जो सिद्धांत है नियम जो है वो हमें प्राप्त होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए चूंकि दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं और दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कण के प्रेक्षित जो वेग हैं उनका मान अलग अलग प्राप्त होगा, तो जो वेगों का गैलीलियन रूपांतरण है उसके अनुसार u1 का मान होगा u1 डैश प्लस v, u2 का मान होगा u2 डैश प्लस v, v1 का मान होगा v1 डैश प्लस v और v2 का जो मान है वो होगा v2 डैश प्लस v। इसलिए जो हाफ इक्वेशन नंबर 17 है उसमें u1 u2 v1 और v2 के मान सब्स्टिट्यूट ये कर दिए जाएं तो हमें प्राप्त होता है हाफ m1 u1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस क्यू। परंतु किन्हीं भी दो सदिशों a व b के लिए हमें मालूम है a प्लस वेक्टर b
मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर, और इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी। तो इसी को काम में लेते हुए जो इक्वेशन 19 है उसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू वन डैश डॉट वी प्लस हाफ एम टू यू टू डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू टू डैश डॉट वी बराबर हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी वन डैश डॉट वी प्लस हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी टू डैश डॉट वी प्लस क्यू। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होता है हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू डैश स्क्वायर प्लस एम वन यू वन डैश प्लस एम टू यू टू डैश डॉट वी बराबर हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर प्लस एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश डॉट वी प्लस क्यू। और हम देख रहे हैं कि चूंकि संवेग संरक्षण नियम के अनुसार एम वन यू वन डैश प्लस एम टू यू टू डैश इसका मान एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे दोनों साइड से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसके कारण हमें प्राप्त होगा हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू डैश स्क्वायर बराबर हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर प्लस क्यू। और ये जो नियम है ये एस डैश तंत्र में टक्कर से पूर्व की कुल ऊर्जा और टक्कर के पश्चात की कुल ऊर्जा के बराबर को शो कर रहा है, जो कि एस डैश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण नियम को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार हम दो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, जिसमें कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी स्थिर वेग v से गतिशील है, उसमें ऊर्जा संरक्षण जो सिद्धांत है उसका पालन होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट है न्यूटोनियन रिलेटिविटी, न्यूटनी आपेक्षिकता। तो उपरोक्त जो विवेचन है उससे हमें ये प्राप्त होता है और सिद्ध भी होता है कि भौतिकी के मूल नियम और जो सिद्धांत हैं वो सब जड़तीय निर्देश तंत्रों में समान होते हैं, अर्थात अपरिवर्तित होते हैं। एक समान वेग से गतिशील किसी भी निर्देश तंत्र में यदि कोई प्रयोग किया जाए तो उसके परिणाम वही होंगे जो एक स्थिर निर्देश तंत्र में प्राप्त होते हैं, अर्थात किन्हीं भी दो जड़तीय निर्देश तंत्रों में जो भौतिकी के नियम है वो समान रहते हैं। इसलिए किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रयोग के द्वारा ये ज्ञात करना असंभव है कि उसका निरपेक्ष वेग क्या है, परंतु दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्राप्त परिणामों की तुलना से उनके मध्य सापेक्ष वेग को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार किसी कण या तंत्र के निरपेक्ष वेग या गति की कल्पना निरर्थक है, केवल सापेक्ष वेग का मापन या सापेक्ष गति की ही व्याख्या की जा सकती है। और ये जो सिद्धांत है वो न्यूटनी आपेक्षिकता का सिद्धांत या न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूटन के नियमों की निश्चितता या इन्वेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉज। तो जैसा कि हमें मालूम है न्यूटन की के तीन नियम हैं गति संबंधी, न्यूटन ने तीन नियम प्रतिपादित किए थे जिनको कि हम न्यूटन के नियम कहते हैं। वो नियम इस प्रकार हैं, फर्स्ट लॉ, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर ही रहेगा, और यदि गतिमान है तो उसी दिशा में उसी वेग से गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अर्थात यदि f बराबर जीरो है तो f का मान चूंकि किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है, तो f बराबर जीरो होने पर एम ए जीरो होगा। चूंकि m जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब a का मान जीरो होगा, और चूंकि a है वो dv अपॉन dt के बराबर होता है इसका मतलब ये हुआ कि v का मान या तो जीरो है या फिर कांस्टेंट है, और इसका मतलब जो स्थिर वेग से गतिशील तंत्र हैं वो जड़त्वीय तंत्र होते हैं। तो यही जो है वो जड़त्व का नियम है। तो इस प्रकार जो फर्स्ट लॉ है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में इनवेरियंट रहता है। सेकंड लॉ हमें मालूम है किसी पिंड के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगे
बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी एफ इक्वस टू डी एफ डी पी अपॉन डी टी बराबर एम डी वी अपॉन डी टी बराबर एम ए। तो जैसा कि हमने जो गैलीलियन रूपांतरण में बल का रूपांतरण किया था, तो हमने देखा था कि दो निर्देश तंत्रों में, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एफ बराबर एफ डैश होता है। तो अगर एक तंत्र में बल का मान एफ है, दूसरे तंत्र में बल का मान एफ डैश है, तो एफ बराबर एफ डैश होगा। चूंकि एफ है वो एम ए के बराबर है, तो एफ डैश का मान किसके बराबर होगा, एम ए डैश के बराबर होगा। और चूंकि ए बराबर ए डैश होता है, इसका मतलब एफ बराबर एफ डैश हुआ। तो इस प्रकार जो सेकंड लॉ है वो भी दो दो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं उनमें इनवेरिएंट रहता है। इसके बाद है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमें मालूम है कि प्रत्येक नियम की तुल्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू ईच एंड एवरी एक्शन। कोई भी क्रिया हो रही है उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और इस नियम के लागू होने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक कंजर्वेशन लॉ है वो काम करता है। एक कंजर्वेशन लॉ जब लागू होगा उस स्थिति में ही इक्वल और अपोजिट रिएक्शन टू ईच एंड एवरी एक्शन होगा, अदरवाइज ये संभव नहीं है। और वो नियम है संवेग संरक्षण का नियम। यानी जब संवेग संरक्षण नियम का लागू होता है उसी स्थिति में प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, अदरवाइज प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होगी यदि संवेग संरक्षण नियम का पालन नहीं हो रहा हो। और चूंकि हमने अभी अध्ययन किया है कि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में संवेग संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है तो उसके कारण प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी। अर्थात अगर हम एफ को क्रियात्मक बल कंसिडर करें तो एफ डैश जो है वो प्रतिक्रियात्मक बल होगा, और इसलिए एफ बराबर एफ डैश होगा। तो इस प्रकार जो थर्ड लॉ है वो भी इन दो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, जो तृतीय नियम है वो भी दो जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र हैं उनमें इनवेरिएंट रहता है, निश्चर रहता है। तो इस प्रकार जो न्यूटन के नियम हैं उनको हम दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में इनवेरिएंट प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।